अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 37। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मूव कमांड के ऊपर, हाउ टू यूज मूव कमांड एंड मूव कमांड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, उसके लिए हम मूव कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। मूव कमांड के लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। स्टूडेंट, जब हमने पहली बार हमने स्टार्ट किया था तो हमने गेट स्टार्टेड में न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, लेकिन जो हम जो जो प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, देखें आप यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बनाया 3D मॉडलिंग कैड के लिए, आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब जिस तरीके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, ये मैकेनिकल एक इक्विपमेंट मैंने डिज़ाइन किया। तो अब देखिए यहाँ पे आप न्यू फाइल के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे भी क्लिक करके यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो न्यू ब्लैंक फाइल के लिए और जो जिन जिन पे हमने काम किया है वो यहाँ पे आपके पास सामने नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली मैंने इस पर काम तो हमने नहीं किया, लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे ये यह प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए मैकेनिकली, देख सकते हैं। तो ये है जी, आप जब कोई काम करते हैं तो रिसेंट प्रोजेक्ट में हमारे पास सामने आ जाता है। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, गाइडलाइंस को खत्म करने के लिए आप 7 प्रेस करते हैं और यूनिट सेट करते हैं। सबसे पहले यूएन इंटर इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके, सेट करंट और क्लोज। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं जी मूव कमांड के ऊपर। तो मूव कमांड आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे बस, सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफाई में मूव कमांड है। इसके अलावा आप मॉडिफाई मेन्यू बार में जाके आप यहाँ पे देखिए तो आपको मूव कमांड नजर आ रही होगी, और शार्ट कमांड होती है मूव की एम इंटर। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल मैंने लिया, इसको मूव करने के लिए एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और जिस पॉइंट से आप इसको मूव करना चाह रहे हैं आप वहां से इसको मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मूव जो होती है हमारे पास ये कमांड मूव हो जाती है, आपके पास वहां पर डुप्लीकेट नहीं रहेगा मूव करने के लिए। एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको जिस पॉइंट से भी अपने मूव करना है आप वहां से इसको उठाएं और मूव कर दें। तो ये फंक्शन होता है जी मूव कमांड का। और इसी तरह आप यहाँ पे मॉडिफाई में भी जाके इसको मूव कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, हमने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था एल, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, सी एंटर, ओके। अब जब मैं मूव कमांड अप्लाई करूंगा, एम एंटर करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं एम एंटर करके मैं ऑब्जेक्ट को यहां से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एरिया मूव होगा और एरिया मूव नहीं होगा। उसके लिए मैंने एम एंटर करके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ मैं। उसके अलावा आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सेकेंड जो मेथड है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एम एंटर कर दें और इसको मूव कर दें, देख सकते हैं। तो ये कुछ मूव के टेक्निक्स हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एम एंटर किया और उठा के इसको मूव कर दिया। तो ये जी मूव कमांड और मूव कमांड के फंक्शन। मॉडिफाई में जाके भी आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, क्लिक करें, ऑब्जेक्ट सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको मूव कर दें। अब मूव में आपको पास देखें, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर मैंने सेकेंड पॉइंट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट दिए। तो आप सेकेंड पॉइंट में आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं वो भी आपको तरीका बताता हूँ। एम एंटर करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ,
और मैं चाहता हूँ ये मूव हो 5 फिट के फासले पे। तो आप देख सकते हैं ये एक्यूरेट हमारे पास 5 फिट के फासले पे मूव हुआ है। अब ये देखना है आपने कंट्रोल जेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 फिट के फासले पे मूव हुआ है भी है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ से लाइन लें, एल एंटर करता हूँ यहाँ पे 10 फीट के फासले पे। अब मैं इसको मूव करता हूँ, देखते हैं ये मूव हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है उसी पॉइंट से ही मूव करेगा। तो मैं अगर इस पॉइंट से मूव करूँगा तो इस पॉइंट से 10 फीट के फासले पे 5 जो भी आप डिस्टेंस देंगे उस पर मूव करेगा। आप यहाँ से करते हो तो यहाँ से मूव करेगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ मूव करता हूँ 5 फिट, एंटर करता हूँ तो 5 फिट के फासले पे, और जो मैंने डायरेक्शन इसको दिया बिल्कुल उसी डायरेक्शन में 5 फिट के फासले पे है। लेकिन आपने सही बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए आप एम एंटर करें, सॉरी एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ से जब मूव करेंगे तो ये देखें ऊपर हो रहा है। तो इसके लिए आप F8 प्रेस करें ताकि बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो। ये देखें स्ट्रेट मूव होगा और मैं इसको देता हूँ 5 फिट, एंटर। अब यहाँ पे ये जो है 5 फिट के फासले पे हुआ है, और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि 5 फिट के फासले पे हुआ भी है कि नहीं तो उसके लिए आप DI एंटर करें, इस पॉइंट से क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें और स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट जो आपका ये है, और यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट अभी बस 5 फिट के फासले पे मूव हुआ है, देख सकते हैं। DI एंटर, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तक देखें जरा, आप देख सकते हैं 5 फिट के फासले पे एक्यूरेट मूव हुए। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं ऑब्जेक्ट को मूव करने की, और एक डिस्टेंस पे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। यूसी एस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूसी एंटर करें, डिस्प्ले यूसी एस एट ओरिजिन पॉइंट रोके कर दें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और जहाँ तक मैंने काम किया, जहाँ तक आपने पढ़ा, वहाँ तक आप इस प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आप आसानी से इन कमांड्स पे काम कर सकें। क्योंकि ऑटो कैड में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप कमांड्स पे आप मतलब माउस को चलाना और आपको कमांड्स याद होंगी, और उतना अच्छा आप ऑटो कैड पे काम कर सकेंगे। तो ऑटो कैड के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।